गाइस बस अभी पहले माइक टेस्ट कर रही हूँ, फिर बता रही हूँ। आज बहुत बड़ी क्विज खबरी है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप। और एक्चुअली जिसका मुझे था इंतजार और जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी जो है वो आ गई है। पर वो घड़ी और सारी जो दास्तां हैं वो सुनाने के लिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो ऐसा लग रहा है मुझे जैसे हमारे जो पैर है उसमें व्हील्स लग गए हैं। किसी ने बोला था कि जो तलवे होते हैं ना उसमें अगर काला तिल हो तो मतलब आप फॉरेन यात्रा ज़रूर करते हो। तनी ये एक धारणा थी जो हमने सुनी थी। तो अब हम लोग कहीं जा रहे हैं और आपको मैं आपको सब बताऊंगी, पर हम लोग के साथ चलो क्योंकि हम लोग फिर से अपना बैग जो है वो पैक कर लिया है। पिछली बार दीपक की ज्वाइनिंग के लिए किया था और इस बार दीपक इस बार सरप्राइज। तो हम आपको बताते हैं क्या डिसीजन लिया मैंने, कौन से डिसीजंस को मना किया मैंने, क्या ट्रिक्स जो थी टिप्स जी थी वो मेरे काम आई यहाँ पर, और इतनी जल्दी मतलब सिर्फ दीपक एक महीने की सैलरी नहीं आई है बस। तो इस महीने की सैलरी नहीं आई मेरे पास, पर ऑफ कोर्स आपको थोड़ा तो आइडिया हो ही गया होगा कहीं जा रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो है। तो अभी हम लोग रास्ते में आपको सारी जो है वो चीज़ें बताते रहेंगे। दीपक ने अभी बस ऑफिस ख़त्म किया है, मैंने पूरी तैयारी कर ली है और हम लोग निकल रहे हैं बैक टू पवेलियन म्यूनिख। ओके देन अभी हम लोगों के साथ चलो और वीडियो में बड़ा मजा आएगा क्योंकि जिस जगह हम पर जा रहे हैं वो बहुत 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 ही ज्यादा सुंदर जगह है। मतलब जाओ तो ऐसी जगह जाओ, मतलब नहीं तो मत जाओ। टाइम टू लीव। चले दरवाजा खोलिए प्लीज। ओके सर लाइट ऑफ करके आइएगा प्लीज। चेक तो नहीं करना कुछ? चेक कर तो हमने गाड़ी में सारा सामान रख लिया है और बस हम निकलने वाले हैं पवेलियन के लिए। ओह जय माता दी, जय माता दी। दीपक तो ड्राइव कर करके परेशान हो गया पिछले कुछ दिनों में ना। एक्चुअली ना मुझे फाइल लेनी है तो यहाँ पर टेडी है, टेडी पे फाइल मिलती है तो मैं पहले फाइल लूँगी और उसके बाद निकलूँगी। ओके दोनों कुछ खुले कार्ड ले जाओ। कार्ड से हो जाएगा एक दो यूरो? हाँ कार्ड से देता हूँ मैं। सुनो तो फिर वो एक स्केल और मिले ना ले लेना, स्केल होती है ना मेजर करने वाली पतली सिंपल स्केल। ठीक है स्केल किस लिए चाहिए पता नहीं। ठीक है था। अब हम लोग फाइनली फाइनल निकल गए हैं। तो कहाँ जा रहे हैं दीपक? तो हाँ आप लोगों ने अभी तक गैस कर ही लिया होगा कि पिछली बार दीपक की ज्वाइनिंग थी और इस बार मेरी ज्वाइनिंग है। और उसके बारे में बताते हैं ना थोड़ा बीच बीच में बताते हैं कि तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी होंगे। यू कैन राइट कमेंट टू अस। और जब तक हम बताते हैं कि हमारी ये जो जर्नी थी, मतलब मेरी जो ये जर्नी थी एज अ जॉब सर्च कैसी रही, और दीपक तुम्हारा? मेरा क्या मतलब मैं जब जॉबलेस थी तो ऑब्वियसली टेंशन तो थी यार। हाँ। तो मैं देख रहा था कितने भी वो कर लो दिमाग में टेंशन तो रहती है तो, बट लेकिन लकीली मतलब अच्छा रहा कि तुम्हें बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटी मिल गई। नहीं और सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी नहीं, इस बार हमें डिसाइड करना पड़ा कि हम क्या पिक करें। तो मतलब ऐसा पहली बार मेरी जिंदगी में ऐसा चीज़ आई है कि आई हैव टू डिसाइड कि भाई और इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज के बीच में हाँ मेरे को बिल्कुल मना करने का मन नहीं हो रहा था क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी थी जिसमें मैं हमेशा से काम करना चाहती थी और मुझे उनको मना करना पड़ा। मैं दीपक से ये तक बोल रही थी कि यार दीपक
कितना बुरा लगेगा उन्हें अगर मैं मना कर दूंगी, क्योंकि पूरी प्रोसेस हो गई थी, ऑफर्स आ गए थे और उसके बाद मना करना बहुत डिफिकल्ट होता है. पर अगेन बहुत सारा फैक्टर्स थे जिसके बेसिस पर हमने ये डिसाइड किया. और अभी भी कुछ इंटरव्यूज़ जो हैं वो पेंडिंग पर हैं, कुछ जो हैं वो हो गए थे एंड लकीली ये जो कुछ ऑफर्स हैं वो आ गए थे और उसमें से हमने डिसाइड कर लिया बहुत सारे फैक्टर पे. पर ये जो दीपक जॉब है उसके बारे में क्या बोलोगे? ये बहुत बढ़िया जॉब है. मतलब वो तो टाइम के साथ पता चलेगा लोगों को धीरे धीरे, पर फाइनली जो तुम चाहती थी वो तुम्हें मिल गया. और देखो वो टाइम बताएगा, एक्सपीरियंस बताएगा कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी. तो अभी कुछ दिनों से मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी और एक्चुअली मैं दिन रात मेहनत कर रही थी. मैंने हर एक इंटरव्यू के लिए जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारे. हर एक इंटरव्यू राउंड के लिए मैंने मतलब ये सोचा कि नहीं यार, अगर मैं 100% दे सकती हूँ तो मैं 200% दूँ. और वही मैंने किया और वो एक चीज़ जो है वो पॉजिटिव आई. और मैं आपसे भी बोलूँगी, अगर आप कुछ चीज़ प्रिपेयर कर रहे हो तो अगर आपने सोच लिया है कि नहीं दिस इज़ एंड, तो उससे और एक्स्ट्रा करो तो ना आपका एक कॉन्फिडेंस अलग ही रहता है इंटरव्यू में. तो वो ही मैंने किया. और एक टेंशन ये भी होता है कि हम जो चूज कर रहे हैं इज दैट द राइट पिक. वो भी एक टेंशन था मेरे दिमाग में कि यार ऐसा तो नहीं जो चीज़ छोड़ रहे हैं. आई थिंक वो सभी के मन में होता होगा, जो चीज़ छोड़ रहे हैं वो कहीं इससे बेटर ना हो. पर ऑफकोर्स तीन चार जॉब तो एक साथ नहीं कर सकते, एक ही कर सकते हैं. तो इसलिए एक ही डिसाइड किया. पर जो जगह हम जा रहे हैं, मतलब यार आप जो दिल से सोचते हो ना, आपके साथ वही होता है. मैं चाहती थी मैं बहुत अच्छी लोकेशन पे कहीं काम करूं, ऑल्दो मेरा रिमोट काम है और मेरा बहुत ज़्यादा ट्रैवल वाला काम है, पर इन जो ऑफिस है वो इतनी अच्छी जगह पर है ना, वो तो हम पहुंच के आई थिंक कल बता पाएंगे. हाँ, कल ही दिखा पाएंगे आपको. तो अभी आप रास्ते के मज़े लो और आपसे जो चिट चैट है वो हम बीच में जो है वो करते रहेंगे. और आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालो. मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं अपनी पूरी जर्नी बताऊंगी, क्या हुआ कैसे किया वो सब बताऊंगी. पर हाँ, आप लोग वेट कर रहे होंगे कि यार क्या हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपडेट दे दूं. एंड दैट्स अ गुड न्यूज़. आप लोगों की दुआएं काम आ गई, मेरी मेहनत काम आ गई और दीपक तुम्हारी मेरी भी दुआएं काम आ गई. तुम भी दुआएं कर रहे थे क्या? सबसे ज्यादा तो मैं ही करूंगा. चलो तो फिर आपको रास्ता दिखाते हैं और बीच बीच में चिट चैट करते हैं. जगह है, जगह का नाम क्या? बाडेवरक. देखो वहां पर कलरफुल ऑटम आ गया ना, तो थोड़ा सा कलरफुल दिख रहा है. और इधर तो नहीं दिख रहा, यहाँ ग्रीन दिख रहा होगा, यहाँ पे छाव है ना, तो इसलिए देखो कितना सही. अभी कुछ 7:30 बज गए ना, तो अभी ना 7:30 पे इतना अंधेरा होने लगा थोड़ा सा और इतना अच्छा रिफ्लेक्शन दिख रहा है बादलों में. तो अब हम लोग रुके हुए हैं पेट्रोल पंप पे. ये हमारा पहला और आखिरी वो होगा क्योंकि हमें वॉशरूम जाना है. तो हम लोग पहुंच गए हैं. दीपक क्या कल ही दिखाएंगे है ना? कोई एक गांव में छोटे से
कल दिखाते हैं ना, बहुत ही छोटा गांव है, अभी बस रूम दिखा देते हैं। बहुत बहुत ही अच्छा है ये एयरबीएनबी, सुबह दिखाते हैं आपको। तो अभी सो जाते हैं क्योंकि 9 बज गया। पहले तो हम खाना खाएंगे, हम पैक करके लाए खाना, खाना खाएंगे एंड उसके बाद कल मिलते हैं और आपको सराउंडिंग्स दिखाते हैं और हम कहाँ रुके हुए हैं वो दिखाते हैं। दीपक, क्या ये हमारा घर है? आती हूँ मैं थोड़ा वॉक करके। और सॉरी, ये नहीं बोलना चाहिए।